अभिषेक झा हमारे साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो ताजा अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर दीजिए। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, तकरीबन वो 20 मिनट तक सुनवाई हुई है। तुषार मेहता जिन्होंने सीबीआई की तरफ से सीबीआई का पक्ष रखा और अभिषेक मनु संघवी उसका बचाव करने के लिए उतरे थे, दोनों के बीच में मामला सिर्फ ये है कि दोनों को सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई के चेयर में जो सुनवाई हुई है, सीजीआई तरुण गोगोई ने साफ तौर पर कहा है कि आप सबूत लेकर के आइए और सबूतों के आधार पर जो भी गिल्टी दिखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो और चाहे वो सीबीआई हो। इसी तरह के कुछ फैसले की झलक हम लोगों ने पिछले बार भी देखी थी, जब आलोक वर्मा जब पहुंचे थे तो उनके पक्ष में एक तरीके से फैसला दिया था और उनको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा था, जिसके बाद वापस से फिर समिति की बैठक हुई जिसके बाद ऋषि कुमार शुक्ला चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई कह रही है पश्चिम बंगाल के मामले में कि उसके पास एक डायरी होने की बात है और उन्होंने सबूत नष्ट किए हैं राजीव कुमार जो कि कोलकाता के कमिश्नर हैं, तो अगर वो सबूत नहीं दे पाती है, कल 10:30 बजे फिर इस पर सुनवाई है और निश्चित रूप से कल तक का वक्त है सीबीआई के पास कि वो ये सबूत दे कि उसके पास जो आधार हैं सबूत नष्ट करने के राजीव कुमार के खिलाफ, जिसको लेकर के वो उनके आवास तक पहुंची थी। तो अगर इस मामले में अगर कोई सबूत नहीं दे पाते तो निश्चित रूप से सीबीआई एक दिन का और इंतजार, कल तक का जो समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक, इस एक दिन के अंतराल के दौरान सियासी घटनाक्रम में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सियासी घटनाक्रम की अगर बात करें तो निश्चित रूप से विपक्ष इसे एक बड़ा मामला बनाने की कोशिश में है कि सीबीआई को किस तरीके से राजनीतिक हथियार के तौर पर केंद्र इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी ओर अभी अगर ताज़ा हालात की बात करें तो राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बात की है, क्योंकि राज्यपाल ने कल ही डीजीपी से इस मामले पर, बंगाल के जो डीजीपी हैं उनसे इस मामले पर पूरी रिपोर्ट तलब की थी और वो रिपोर्ट आज जो गृहमंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने उस मसले को लेकर के बात की है। तो निश्चित रूप से ये अब एक राजनीतिक घमासान के रूप में तब्दील हो चुकी है। भ्रष्टाचार का मामला कहाँ पहुँचे नहीं पहुंचेगा ये कोर्ट में तय होगा, लेकिन जो एक सबूतों को आधार बनाकर के जिस तरीके से कल कार्रवाई हुई और सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस आमने सामने आए, रात भर धरना चला, तो निश्चित रूप से ये अब एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या केंद्र सरकार हो, तो दोनों के लिए ये एक राजनीतिक प्रतिष्ठा का मसला है और दोनों ही अब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, अब कल जब सुनवाई होगी, कोर्ट ने सभी पक्षों को सबूत लाने को कहा है। साथ ही अभिषेक, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सबूत पेश किए जाएंगे तो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि कमिश्नर पछताएंगे। किस तरफ संकेत? निश्चित रूप से ये जो कमिश्नर हैं राजीव कुमार कोलकाता के, उनके लिए भी बहुत साफ और सख्त संदेश है कि अगर सीबीआई ने कुछ ऐसे सबूत, कोई भी ऐसे एविडेंस या किसी के बयान या कोई ऐसे दस्तावेज अगर पेश किए और वो सबूत के तौर पर साबित होते हैं कोर्ट के सामने, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वो कड़ी कार्रवाई क्या होगी ये तो कोर्ट तय करेगी, कल पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि कोर्ट के सामने जो सीबीआई का मामला जो पिछले 6 महीने के दरमियान कई बार आ चुका है, इस बार जो तरुण गोगोई जो सीजीआई हैं उन्होंने जो रुख अख्तियार किया है वो निश्चित रूप से बेहद कड़ा है और बेहद टिप्पणी है। बिल्कुल बिल्कुल, राजीव कुमार आखिरकार है कौन, जरा हमारे दर्शकों को ये बताए। साथ ही साथ शारदा चिटफंड मामले में उनका रोल क्या रहा है, किस वजह से सीबीआई उनसे पूछताछ करने के लिए 40 अफसरों के साथ वहां पर पहुंची थी, जरा एक बार समझाइए हमसे। देखिए, राजीव कुमार की बात करें तो ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और कोलकाता पुलिस के ये कमिश्नर के तौर पे अभी मौजूद हैं। इसके अलावा ये ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और अगर इस मामले से जुड़े होने की बात अगर की जाए तो इस मामले के इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्होंने हेड किया था, जिसके आधार पर सीबीआई कह रही है कि इनके पास सारे दस्तावेज थे, लेकिन इन्होंने सारे दस्तावेज, चूंकि जब वहाँ के राज्य सरकार के नेताओं के खिलाफ सबूत मिलने शुरू हुए तो उनको मैनिपुलेट किया और उनको बचाने का काम किया है और वो जांच में फिर सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी ताजा हालात की अगर बात करें तो सीबीआई जिस तरीके से सीबीआई भी जो यहां पे जांच के लिए पहुंची थी वो कोर्ट के आदेश पे ही पहुंची थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभिषेक आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि राजीव कुमार है कौन। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है राजीव कुमार, कोलकाता में पुलिस आयुक्त के पद पर वो तैनात है, ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं राजीव कुमार। 2013 में शारदा चिटफंड घोटाला मामले की जांच के लिए उन्हें चुना गया, राज्य सरकार की तरफ से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार को चुना गया था। राजीव कुमार पर पद का दुरुपयोग करते हुए घोटाले की दिशा और दशा बदलने का आरोप है और इस तरह से इन आरोपों के लिहाज से ही सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही है। ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं राजीव कुमार,
शारदा चिटफंड घोटाला मामले की जांच के लिए उन्हें चुना गया था। ऐसे में सीबीआई का कहना है कि दशा और दिशा इस मामले की बदल रही है। राजीव कुमार ने शारदा प्रमुख सुदीप्त सेन और उनके सहयोगी देवयानी को भी गिरफ्तार किया गया था। राजीव कुमार ने सुदीप्त सेन से मिली एक डायरी को भी गायब कर दिया था। उस डायरी में उन सभी नेताओं के नाम थे जिन्होंने चिटफंड कंपनी से रुपया लिया था और इन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची थी। तो शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई कोलकाता की पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करना चाह रही है। आरोप है कि कोलकाता पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही है। उधर यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी इस मामले में पुलिस कमिश्नर को बचाना चाहती है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने शारदा चिटफंड घोटाला आखिरकार है क्या। शारदा चिटफंड घोटाला पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है। इस घोटाले में करीब 40,000 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ था। चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने लोगों को लुभावने ऑफर देकर उन्हें चूना लगाने का काम किया था। सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में निवेश करके 34 गुना ज्यादा रिटर्न्स हासिल करने का लोगों को लालच दिया गया था। यानी कि 1,00,000 रुपए का निवेश करने पर 34,00,000 रुपए देने का वादा लोगों से किया गया था और 25 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद 34 गुना मुनाफे का भी वादा किया गया था। और इस वक्त हमारे साथ भावना अरोड़ा हमारी संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है, उनका रुख करते हैं। भावना, शारदा चिटफंड घोटाला मामले में जिस तरह से ये तमाम तथ्य निकलकर सामने आए, जिस तरह से लोगों को लालच देकर निवेश करवाया गया और उसके बाद जो डायरी गायब होने की बात कही जा रही है जिसमें उन नेताओं के नाम है जिन नेताओं ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पैसे लिए थे, रुपया जिनके पास पहुंचाया गया था उसको भी गायब कर दिया गया, इसी के मद्देनजर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए भी सीबीआई की टीम गई थी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरह का संदेश, साथ ही साथ कल से अब तक जो कुछ देखा गया, लोकतंत्र पर भी यहां सवाल खड़े किए गए, यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र है या फिर लोकतंत्र, इसको लेकर जनता जानना चाहती है। अगर देखा जाए तो शिल्पा, एक तरफ मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही तंत्र का आरोप लगाते हुए ममता सरकार नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीबीआई का हस्तक्षेप कोर्ट के उस आदेश की तरफ इशारा करता है जिसमें साफ तौर पर कहा गया था 2013 के बाद की पुलिस आयुक्त एसआईटी के जो अध्यक्ष समय रहे थे राजीव कुमार की सहयोग करेंगे वो इस मुद्दे पे शारदा चिटफंड घोटाले में, ताकि आरोपी जो है उनका खुलासा हो सके। जो इतना बड़ा 40,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उस पर भी जो है काम किया जा सके, क्योंकि अगर देखा जाए तो बंगाल का सबसे बड़ा इसे घोटाला कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो पैर है वो ना सिर्फ बंगाल में बल्कि असम त्रिपुरा में भी जो है फैले हुए है, जिसके चलते जो है इतना बड़ा घोटाला आया है जिस पर सरकार लगातार अपने कदम उठा रही है। अगर आज की देखा जाए तो सीबीआई ने भी साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से और इसी जांच की आज अब यहां तक आप पहुंची है कि इस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई इस तरह से उजागर हो गई। बहुत शुक्रिया आपका भावना अरोड़ा, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ममता बनाम बीजेपी दिखाते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। सीबीआई केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। ममता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी का वही आरोप यह है कि ममता सरकार इस स्कैम के आरोपियों का बचाव करने का काम कर रही है और इस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। बीजेपी ममता सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी अपने नेताओं को राज्य में रैली या फिर जनसभा की अनुमति नहीं दिए जाने से भी ममता सरकार से बेहद खफा है। ममता सरकार पर बीजेपी संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार पीएम मोदी की रैलियों को देखकर घबरा गई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली को भी कल रद्द कर देना पड़ा था वहां पर, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर को वहां पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अभिषेक झा एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, ममता वर्सेज मोदी कहा जाए या फिर बीजेपी कहा जाए, एक ही बात है, ये लड़ाई अब आगे किस तरफ जाती हुई, क्योंकि एक दिन का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कल सुबह 10:30 बजे इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब तक क्या
देखिए तब तक की अगर बात की जाए तो केंद्र की तरफ से राजनाथ सिंह, जैसा मैंने बताया कि गृह मंत्री ने रिपोर्ट तलब की है राज्यपाल से, और अब इसके बाद नजर रहेगी होम गृह मंत्रालय के ऊपर में कि गृह मंत्रालय क्या फैसला लेती है, क्या वो सरकार को बर्खास्त करेगी या नहीं करेगी, और कल तक, शायद कल तक इंतजार करें। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि ममता बनर्जी और केंद्र की अदावत ये कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर, चाहे वो सरस्वती पूजा का मामला हो या दुर्गा पूजा में रैलियों को निकालने का मामला हो या NRC का विवाद हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जितना ज़्यादा मुखर होकर के वहाँ की सरकार की आलोचना करती है, उतनी ही ज़्यादा तेजी से ममता बनर्जी भी विरोध करती हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है 2019 का, जो आम चुनाव है, अब ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, दो महीने से कम का वक्त है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी और चुनावी माहौल गर्मा जाएगा, तो उसमें निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष की है वो ये कहेगी कि भ्रष्टाचारी लोग एक तरफ हो गए हैं और उन्होंने काम को रोका है, कार्रवाई को रोका है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये जिस तरह से कल से ममता बनर्जी धरने पर बैठे हुए, ऐसे में क्या कहा जाए, इस धरने के जरिए क्या विपक्षी एकता की ताकत को यहां दिखाने की मंच के द्वारा कोशिश? निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक मंच भी बनेगा, और वहाँ पे तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल के जिस तरह से खबरें पहुँचने की खबरें आ रही हैं कि वो जा सकते हैं समर्थन देने के लिए, उसके अलावा रात भर जो सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ में जिस पुलिस अधिकारी को लेकर के सारी बात हुई है वो भी वहाँ पे साथ में बैठे हुए थे। अभिषेक, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ TMC समर्थक मनोज जीत सिंह चटोवर्ती जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंजे वॉइस में। मेरा नाम मनोजीत मंडल है जी। मनोजीत जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई अब खुलेआम आ गई है, जिस तरह से ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र चलता है या फिर लोकतंत्र चलता है, क्या कहेंगे आप? देश में क्या लोकतंत्र चल रहा है, ये मोदी तंत्र चल रहा है देश में। तो मोदी तंत्र को मुकाबला करने के लिए यहाँ जनगण तंत्र चल रहा है। देखिए आप पूरा बंगाल क्या देश या बंगाल में खड़ा हो जाएंगे मोदी जी के खिलाफ, ये मोदी तंत्र की और तानाशाही के खिलाफ, जो शाह और शाहिनशाह का जो तानाशाही चल रहा है उसके खिलाफ हम सब खड़े हो जाएंगे। यह बिल्कुल जनगण तंत्र है और देश से सबसे ज्यादा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीट से यहाँ पर आएंगे और वे इकट्ठा होंगे। इस तरह का तानाशाही देश में नहीं चलेगा, देश को हम बचाएंगे। मनोजीत जी, लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब CBI की टीम वहां पर पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, जांच की आज जब वहां तक पहुंची, तो ऐसे में डर किस बात का, जांच पड़ताल करवा लीजिए। राजीव कुमार साहब कौन है, वो क्या अक्यूज्ड है केस में? राजीव कुमार साहब केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, CBI के पास कोई वारंट था कि उनको क्वेश्चन करने के कोई परमिशन था क्या? और मुकुल रॉय जी जो अक्यूज्ड है केस में, जिसके खिलाफ FIR है, वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? बाबुल सुप्रियो जी रोजवेली केस में जिसका नाम है, वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे क्यों घूमते हैं? तो जो लोग अक्यूज थे वो प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठेगा, और जो अक्यूज नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है ऑनेस्टली, तो अरेस्ट किया शारदा कांड चिट फंड कांड का जो ओनर है सुधीर तोषण का, अरेस्ट कौन किसने किया था? ये राजीव कुमार जी ने किए थे, कुणाल घोष TMC के CPCP के। लेकिन मनोजीत जी, राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने इस केस की दिशा और दशा बदली, जो अहम सबूत थे उन्हें नष्ट करने का काम किया, इसी वजह से CBI वहां पहुंची हुई थी। सुनिए, इन्वेस्टिगेशन का वॉचटॉप क्या है CBI ने, पूरा ये मामला पॉलिटिकल CBI ने बनाया है। राजीव कुमार जी ने जब इन्वेस्टिगेशन किए थे 2013 से 2014 तक, हर जगह काम हो रहा था। TMC का MP के अरेस्ट राजीव कुमार जी ने किए थे। सुदीप सेन जो चिट फंड का स्कैम का मालिक है, जो ओनर है, उसको कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जनता करेगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई होगी उसके बाद तथ्य और ज्यादा स्पष्ट हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोजीत चक्रवर्ती, TMC समर्थक, हमारे साथ जुड़े हुए थे अपनी राय रखने के लिए। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा सदन की कार्यवाही में, जिसके कारण शुगर फैक्ट्रीज को, शुगर कैन फार्मर्स को नुकसान नहीं हो, शुगर कैन फार्मर्स को अपना एरियर टाइम पे मिल जाए, इस बात की व्यवस्था की गई। उसमें से एक एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यू, क्योंकि शुगर हमारे को मिनिमम इंडिकेटेड एक्सपोर्ट कोटा वाज गिवन 20 लाख मैट्रिक टन इन 2017-18 एंड 15 लाख मैट्रिक टन इन 18-19 और 17-18 के अंदर हमने भी करीब 16 लाख टन शुगर किया। लेकिन क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे 3 से 5 लाख टन तक
3 से 5 मिलियन यानी 30 लाख टन से 50 लाख टन तक की उनकी डिमांड रहती सालाना. दे इंपोर्ट द शुगर 30 to 50 लाख टन. वी वांट दैट चाइना इज द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट नेबर एंड वी शुड सेंड और वी शुड एक्सपोर्ट अवर शुगर टू द चाइना. दैट्स व्हाई इन वुहान माननीय प्रधानमंत्री जी जब वुहान पधारे थे राष्ट्रपति चाइना के राष्ट्रपति जी से उनकी वार्ता हुई उस दौरान चावल और शुगर को इम्पोर्टेंट इश्यू लिया गया कि भाई इनका भारत आपको एक्सपोर्ट करना चाहता है. और उसके बाद में सीरीज ऑफ द मीटिंग यानी हमारे शुगर एक्सपोर्टर और चाइना के शुगर इम्पोर्टर की मीटिंग करवाई गई इन द मंथ ऑफ जून के अंदर. सेलर एंड बायर मीटिंग हुई, उसके बाद में मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई. सीरीज ऑफ मीटिंग हो रही है क्योंकि 2018 का जो था 17-18 का ऑलरेडी उन्होंने एक कोटा रिलीज कर दिया था. चाइना में 26 जून में और जनवरी के अंदर दे रिलीज द एक्सपोर्ट कोटा और इस कारण से उन्होंने अपना कोटा रिलीज 18 का कर दिया. 2019 का जनवरी में तय होना था. स्टिल इट इज नॉट बीन डिसाइडेड हाउ मच चाइना विल इंपोर्ट शुगर फ्रॉम इंडिया. वी आर कंसिस्टेंटली परस्यूइंग दिस मैटर बट देर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट. This is all. Thank you, ma'am. Please go to your seat. The house stands adjourned to meet again at 12 o'clock. इस मुद्दे पर जिसके बाद स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही और ये मामला लगातार गर्माता हुआ ममता सरकार और सीबीआई के बीच का ये जो सियासी घमासान है ये जो पूरा तनातनी का माहौल पैदा किया गया है उसकी गूंज लोकसभा में भी गूंजती हुई. विपक्ष ने यहां इस मुद्दे पर हंगामा किया और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा. बता दें आपको कि प्रश्नकाल यहां पर लोकसभा के अंदर चल रहा था. चीन को कच्ची चीनी के निर्यात के मुद्दे पर वहां पर जवाब दिया जा रहा था लेकिन विपक्ष हंगामा करने में लगा हुआ था और इस तरह से ममता और सीबीआई की इस लड़ाई में ममता वर्सेस मोदी की इस लड़ाई में गूंज लोकसभा तक जा पहुंची है. विपक्ष ने यहां इस मसले पर जमकर हंगामा किया. अभिषेक झा हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं. अभिषेक मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच की ये जो लड़ाई है इसकी गूंज लोकसभा में भी सुनाई थी जिसके चलते विपक्ष ने हंगामा किया और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा. जी अब जो ये मुद्दा है ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और लोकसभा और राज्यसभा में इसकी झलक भी देखने को मिल रही है कि लोकसभा में जहां हंगामा हो रहा है राज्यसभा को हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया है. तो निश्चित रूप से ये जो और जो विपक्ष के सांसद हैं जितने भी टीएमसी के समर्थक हैं या टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर मांग की है कि इस पर तत्काल चर्चा की जाए. लेकिन तत्काल चर्चा की एक कार्यवाही होती है वो एक विशेषाधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष का जिसको कि अभी तक अनसुना किया गया है जिसकी वजह से राज्यसभा में ज़्यादा हंगामानों की वजह से उसे स्थगित किया गया. लेकिन लोकसभा में अभी भी जैसे तैसे कार्रवाई शोर शराबे के बीच में चल रही है कितनी देर चलेगी ये देखने वाली बात होगी. चलिए बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक झा इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए.